फ्लैशबैक। तो इवेंचुअली कुछ दिनों के बाद आफ्टर मिशिका's अन्नप्रशन एंड राइस सेरेमनी आई हैड टू फ्लाई बैक टू बैंगलोर एंड काफ़ी लंबा फ्लाइट था बट सब कुछ अच्छे से हुआ गुवाहाटी में एंड यहाँ पे आके फिर से बैक टू द नॉर्मल लाइफ एंड रूटीन। 3 days later. So hey guys, welcome to another vlog. And आज all of a sudden random plan बन चुका है हम सब लोगों का थोड़ा सा घूमने जाने का, क्योंकि एक long weekend अभी already on है, क्योंकि Saturday, Sunday और Monday को 1st of May है, Labor Day है, तो जिस वजह से offices बंद है। तो सब लोगों ने plan कर लिया, सब लोग बोले तो फिर दीदी and you know रिया लोग बीर बोली तो हम सब लोग जाएंगे। सोच रहे रैंडम प्लान बना है, पता अभी तक मुझे क्लियरली पता भी नहीं कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। वैसे आई थिंक ये प्लान्स की शुरुआत सारा रिया और ऑर्को ने मिलके किया था और आई थिंक दीदी और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो सोच रहा हूँ गाड़ी लेके जाओ कि कैसे जाओ, तो वो सारी चीज़ें आज के इस ब्लॉग में शेयर करूँगा। कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, क्या मस्ती मजाक हंगामा होगा, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ऑल ऑफ ए सडन प्लान बनाना, तो ज़्यादा कुछ पैकिंग भी नहीं कर पा रहा और समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या पैक करूं, क्योंकि आई थिंक 2 दिन के लिए जा रहा हूं। वैसे बेंगलोर से तो आसपास काफ़ी सारे जगह है आपको वीकेंड ट्रैवल और टूर करने के लिए, बट जहां जा रहे हैं वो जगह भी अच्छा ही है, कभी गया नहीं हूं, पहली बार जा रहा हूं। चलते अभी ऑलमोस्ट दीदी लोग रेडी हो चुके हैं, मैं अपना गाड़ी लेके जाऊंगा, सो इट विल गोना बी अ रोड ट्रिप, सो लेट्स स्टार्ट। वैसे तो रोड ट्रिप का मज़ा आता है पूरे फैमिली के साथ और इस समय यू नो आयांश मिशी का सबको मिस कर रहा हूं, मामून भी ऑब्वियसली अभी गुवाहाटी में ही है, सो दे आर ऑल्सो कमिंग बैक ऑन 18th of April। फिलहाल जा रहा हूँ काका बाबू को पिकअप करने और गाड़ी में पेट्रोल डीजल भी नहीं है, सॉरी अपना डीजल गाड़ी है तो गाड़ी में डीजल भी नहीं है, तो डीजल उठा लेता हूँ और कुछ पानी वानी का बोतल भी उठा लेता हूँ और चलते हैं। और आज इतना दिनों बाद ना बैंगलोर में एकदम वेदर क्लाउडी सा हो रखा है, बहुत ही अच्छा प्लेजेंट वेदर हो रखा है, अदरवाइज लास्ट एक हफ्ता मतलब 3-4 दिन से तो इतना ज़्यादा गर्मी, आज फिलहाल जाके आई थिंक मज़ा आएगा। नॉर्मली ऐसा थोड़ा सा हल्का हल्का बारिश में ना ड्राइव करने का मज़ा ही अलग है। और जल्दी जल्दी निकलना है, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, 1 बज चुका है, मैंने लंच तो कर लिया है, तो जा रहा हूँ काका बाबू के घर पे, वहाँ से उसको पिकअप करूँगा और दीदी लोग ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अरे भाई ये कितना बड़ा ट्रक है यार, क्या लेके जा रहा है यार इतना, और रास्ते के साइड में देखो तो दीदी लोग तो उधर पहुंच गए हैं। तो और हाँ, और एक अपडेट ये है कि रिया और ऑर्को वो लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं जो जहाँ पे हम लोग पहुंचना है, अभी ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्टेंस पे है, 3-4 घंटे का जो है जर्नी है, रुक रुक के जाएंगे तो किलोमीटर वाइज भी ज़्यादा नहीं है तो नज़दीक ही है। तो यहाँ पे आधी जनता ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं और हम लोग अभी निकलेंगे फटाफट, दीदी लोगों का गाड़ी वहाँ पे है ना, और बीर पूरा सनग्लासेस लगा के और बोली क्यूट। बाकी लोग कहाँ है? बाकी लोग आ रहे हैं। और रिया और ऑर्को ने प्लान क्या है? उन लोग बेचारा उन लोग ट्रेन से चला गया, फिर हम लोग मिलेंगे ना वहाँ पे। तो ऑल ऑफ ए सडन रैंडम ही प्लान बना है सब कुछ ये सब। देखा अभी बारिश था और अभी कैसा धूप निकल चुका है, यहाँ पे जर्नी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, पुलिस हो रही है वहाँ पे और यहाँ से ऑलमोस्ट 4-5 घंटा लग जाएगा, 204 किलोमीटर ऑलमोस्ट यहाँ से। और ये दीदी लोगों का गाड़ी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नाइस रोड के तरफ से और फिर आगे जाके मर्ज करेंगे नीलमंगला की तरफ और यहाँ पे ट्रैफिक का मजा लेंगे फ्लाई ओवर के ऊपर ट्रैफिक निकल ही नहीं पा रहे। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं दीदी लोगों के लिए, वो लोग काफ़ी लेट आया है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वेचिंग करके फिर यहाँ से निकलेंगे, थोड़ा सा भूख भी लगा है। बोले एक सम इडली। नो आई डोंट लाइक दिस इडली। ये ले पानी पूरी। यस। बट दिस लुक्स गुड। बट आई डोंट लाइक सांबर ऑन। बोले हियर गोज योर पानी पूरी।
few inches later. अभी मस्त हम लोग यहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा और स्ट्रेचिंग के लिए, और यहाँ पे मिल गया इन लोगों को भज्जी वाला जगह, और सब लोग यहाँ पे मस्त खा रहे हैं, मस्त गरम गरम भजिया तल रहा है. ठीक है चीज पकौड़ा खाना है. अभी अभी यहाँ पे क्या भजिया तल रहा है. ড্রাইভার বলে মোদি আসছে আর বডিগার্ড, মোদি কা 18 বডিগার্ড আগে হ্যাঁ 20 पीछे है, टोटल 40 है. अमी खाली भाभी वाओ वाटे गिनती है ये. नहीं नहीं तो फाइनली हम लोग पहुंच गए. काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि बहुत जगहों पे रुक रुक के आया था, एंड फिलहाल आते ही देखा कि यहाँ पे फुल बारिश चालू है. तो यहाँ पे इतना बारिश चालू है. और अच्छा तो आप सब लोग ये बता दो कि हम लोग कहाँ आए. तो हम लोग आए हैं अभी एक जगह हसन. तो यहाँ से ऑलमोस्ट 230 किलोमीटर है, बैंगलोर से 230 किलोमीटर है. एंड हसन में काफी सारे जगह है घूमने का, तो कल देखेंगे क्या सीन बनता है. वैसे अभी टाइम हो चुका ऑलमोस्ट 7:30. अभी होटल में हम लोग चेक इन करेंगे, देखते हैं रूम वगैरह कैसा है. एंड रिया और को तो ऑलरेडी आज सुबह ही पहुंच चुके हैं बाई ट्रेन, तो वो लोग भी ज्वाइन करेंगे हमें. आगे का देखते हैं कैसा क्या प्लान बनता है. हसन सिटी, तो ये है हमारा होटल SS रेसिडेंसी. यहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं फॉर 2 डेज. तो रूम टूर अगर दिखाओ तो कुछ ऐसा है. तो यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर है, और यहाँ पे एक बस एक डबल बेड है. बहुत ही सिंपल सा रूम है, देखते हैं कुछ व्यू है कि नहीं यहाँ से. तो यहाँ से भी थोड़ा सा व्यू आपको देखने को मिल जाता है. तो ऑलमोस्ट एक मेन एरिया में ही है हसन में. तो देखते हैं अभी आगे का प्लान क्या बनता है, वो तो पता नहीं क्योंकि अभी सब लोग आए हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड है. इनफैक्ट मैं भी ड्राइव करके आया हूँ, काफ़ी दिनों बाद रोड ट्रिप किया है. कल का एक्चुअली मेन प्लान है, अभी खाना पीना भी करना बाकी है. सेटल्ड कि अभी भी बाकी है? कितना झगड़ा किया? कितना झगड़ा किया? झगड़ा नहीं किया, झगड़ा नहीं किया. और अभी आगे का क्या प्लान है? आगे तो पता नहीं, कोई पार्टी चल सकता है जिसमें मैं नहीं हूँ. और ये आगे वीर मेरे साथ रहेगा, वीर यू एंड मी. खाना खाने का क्या है? अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं सुवर्ण रेजेंसी, जो की एग्जैक्टली अपने होटल के अपोजिट साइड में है. सुवर्ण रेस्टोरेंट में आए, सुवर्ण सागर है जिसका, जो कि सिर्फ वेज है. पता है आपको? पता नहीं है तो देख लीजिए ना मेन्यू, बहुत ही सस्ता है और बहुत अच्छा है. यहाँ पे तो मेन्यू में ये सब लिखा है, तो आप देख सकते हो ना. आँख है तो देख लो. तो यहाँ पे वीर का तो मजा हो गया, सूप के साथ पापड़. सूप के साथ पापड़ थाली लुक्स गुड यार. थाली लुक्स गुड, यम थाली. हाउ इज द टेस्ट? गुड, यस, इट्स द मोस्ट कंफर्टिंग कर्ड राइस. वीर व्हाट इज दैट? चॉकलेट मिल्क शेक विद नट्स. एंड बुली इज हैविंग संडे ऑन सैटरडे.